हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो प्रकार की ऊन ले रखी है। आप चाहे तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऊल से भी बना सकते हैं, आप चाहे इसे फोल्ड पूजा आसन या फिर टेबल मैट कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पे वाइट कलर को डबल फोल्ड किया क्योंकि ये काफ़ी पतला है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम धागा इस्तेमाल करें बराबर ही पतला होना चाहिए, ठीक है। तो देखें, यहाँ से सबसे पहले हम इस कलर से धागे डालेंगे, ठीक है। फंदे डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से फंदे डालने हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से फंदे डालने हैं। फंदे डालने के बाद देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो में इस तरीके से यहाँ पर हम एक, देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। देखिए, अब यहाँ पे एक फंदा छोड़ते हुए यहीं से पलट देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, सीधी साइड से यहाँ पे हमें कंप्लीट फंदे बनाने हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे इस तरीके से किनारे का फंदा हमें लेना है और यहाँ से एक फंदा बढ़ाना है, ठीक है। दो तीन चार पाँच, इस तरीके से हमें यहाँ पे सभी फंदों को बुनते जाना है। देखिए, आप अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इस डिज़ाइन को अगर आपको बनाना है तो इसी तरीके से आपको, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने एक फंदा छोड़ा, फिर सेकेंड में एक छोड़ेंगे, पलट देंगे। और देखिए, जब भी डोरमेट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर फंदों को ज़्यादा ना टाइट बुनना है और ना ही ज़्यादा लूज़ बुनना है। तो यहाँ पे नॉर्मल टाइट बुनते हुए यहाँ पे आपको डोरमेट बनाना है ताकि आपको, जैसे आप फंदे छोड़ रहे हैं तो उसमें आपको बनाने में आसानी होगी। अगर आप ज़्यादा टाइट बुनेंगे तो फिर बुनने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। तो आसानी से बुनें और आराम से देखिए ताकि आप डोरमेट अच्छे से बना सकें। तो देखिए, यहाँ से पलट देंगे। अब यहाँ से सीधी साइड से लेने के लिए फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पलट देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है, पलट देना है। सीधी साइड से एक फंदा बढ़ाना है, ठीक है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पलट देंगे। फिर से सीधी साइड से यहाँ पे कंप्लीट फंदे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने एक एक करके सभी फंदे छोड़ दिए। जैसे आप यहाँ पे 40 फंदे का बना रहे हैं तो एक एक करके 40 फंदे छोड़ेंगे और 40 सिलाइयों में यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एक फंदे छोड़ते जाना है। जितने फंदे आपने डाले हैं सेम फंदे उतने यहाँ पे एक एक करके छोड़ देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए छः
जितने फंदे, जैसे आपने 40 फंदे बढ़ाए हैं तो 40 फंदे यहाँ पे आपको बंद करने हैं। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो जितने भी आप फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे सेम आपको उतने ही फंदे कम करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जितने फंदे बढ़ाए हैं उतने फंदे हमने यहाँ पे एक एक करके बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ से हम रेड कलर को उल्टी साइड से है तो यहाँ से हम वाइट कलर को ऐड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ठीक है, पलट देंगे। अब यहाँ से किनारे का फंदा उतारना है। नेक्स्ट फंदे से दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह, ठीक है। अभी यहाँ से पलट देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से आपको एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेना है और यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और पलट देंगे यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह, ठीक है, पलट देना है। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 फंदे देखिए इस तरीके से बना लिए। दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिए, पलट देंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सीधी साइड से बुनेंगे और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो फंदे बढ़ाए हैं वही एक एक फंदे करके इसी तरीके से नेक्स्ट रो में भी बनाएंगे इसके आगे। तो ये देखिए कंप्लीट इस तरीके से आपका डिज़ाइन आएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका फ्लावर शेप में एकदम जैसे गुड़हल शेप में बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है।